अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ, हेडिंग तो देख ली होगी आपने, राइट? सो आज मैं बना रही हूँ कीमा खिचड़ी। मैं उसमें कीमे में ना आलू तो डालूंगी ही, बट मटर भी डाल रही हूँ। बड़े मजेदार लगते हैं। आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, मत डालिएगा। मैं आधा किलो चिकन का कीमे का बना रही हूँ, तो मैं इसमें पाव किलो जितना मटर छील रही हूँ। अब उसमें से जो भी मुझे निकलेंगे मैं आपको बता दूंगी कितने निकले हैं, ठीक है ना? सो मैं ये फटाफट क्विकली इसे साफ कर लेती हूँ। जी बेटा, मैं आज बना रही हूँ कीमा खिचड़ी, मजेदार सी। यहाँ पर मैंने मटर साफ कर लिए है। यहाँ दो मीडियम साइज के टमाटरों की मैंने छील निकाल लिया और इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, तीन आलू ले रही हूँ। आप चाहे तो एक बड़ा ले, आप चाहे तो दो ले, मैं छोटे ही हैं आप देख पा रहे हैं, तो मैं तीन ले रही हूँ। और इनकी छील निकाल के मैं आपको बताती हूँ मैं कितने बारीक पीस कर रही हूँ। चलिए, मैंने एक तो छील लिया, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कितना, बस ये इतने मोटे मोटे काट रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ऐसे इतने बड़े भी मत काटिए और इतने छोटे भी मत काटिए, ये ऐसे काटिए मीडियम साइज के, सो दैट जब तक चिकन हो रही हो तब तक हमारे आलू भी गल जाए और मटर भी गल जाए। अब यहाँ मैंने दो, आप देख सकते हैं, प्याज ली हूँ, मीडियम साइज की है और एकदम छोटी नहीं है, तो इसे मैं पतली पतली स्लाइस कर लेती हूँ। और ये दो प्याज के अलावा ना मैं एक छोटी बारीक प्याज काट लेती हूँ खिचड़ी के लिए। मैं मसूर दाल की खिचड़ी बना रही हूँ और उसके लिए एक छोटी प्याज काट लेती हूँ। और कचुम्बर तो हमें चाहता ही है सिरके वाला इसके साथ, तो मैं उसकी भी प्याज काट लूंगी। थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। अच्छा, तो मैंने सारी चीजें काट ली हैं, आलू कट गए हैं, दो मीडियम साइज की प्याज काट ली, टमाटर काट लिए, कोथमीर को भी मैंने साफ करके रख दिया, दो प्याज कचुम्बर के लिए और ये एक जो खिचड़ी बनाऊंगी उसके लिए। और ये कचरा भी मैं फेंकती हूँ और फिर डायरेक्टली पकाना शुरू करते हैं। तो चलिए, मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। तेल कम या ज्यादा आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, बट कीमा है तो थोड़ा ज्यादा ही डालते हैं हम। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ तीन चार काली मिरी, तीन चार लौंग, मुझे ना उसी टाइम पे साइड बाय साइड ढक्कन डाल डाल के रखने की आदत है, सो प्लीज डोंट माइंड। और दो तेज पत्ता, एक डंडी दालचीनी की, और समझिए ना 1/4 टीस्पून जितना जीरा, साबुत जीरा। अब यहाँ मैं ये तरतरा जाते हैं तो मैं डाल देती हूँ प्याज जो हमने काट के रखी है, और इसे फ्राई कीजिए। और ये प्याज को तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। कुछ देर बाद जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, ज्यादा डार्क मत कीजिएगा, लाइट ही रखिएगा, तो इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे ये कढ़ाई स्टील की है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो जल ना जाए मेरी प्याज, तो मैं अदरक लहसुन डालने के बाद हल्का सा पानी डाल देती हूँ मिक्स करने के बाद। हल्का सा ही डाल रही हूँ, आप मत डालिएगा अगर आपकी स्टील की ना हो तो। और इसे फ्राई कीजिए, आपने तब तक फ्राई करना है जब तक अदरक लहसुन की कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। मैंने बीच में ढाक लिया था क्योंकि बाहर उड़ रहा था ना सारा। जब अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाए तो टमाटर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए हल्का सा स्वाद अनुसार, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढककर इसे 4-5 मिनट पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक ये जो टमाटर है ये नम नहीं हो जाते और हल्के से पल्प में फॉर्म नहीं हो जाते। चलिए, 5-6 मिनट हो चुकी है, ये देखिए टमाटर जो है ये अच्छे गल चुके हैं, पल्प टाइप हो चुके हैं। अगर ज़रूरत लगे तो ये जो चम्मच की मदद से स्मैश कर दीजिएगा। चूल्हा कर दीजिए मीडियम आँच और यहाँ मैंने आधा किलो चिकन का कीमा डाला है, 2-3 पानी से धो के नितार कर साइड पर रखा था।
इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और मीडियम आंच पर पकने दीजिए। यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया ना मटर कितने निकले, तो मटर तकरीबन 3/4 कप जितने निकले हैं, तो वो भी डाल दीजिए धोकर। और ये जो आलू हैं जो मैंने इस तरीके से काटे हैं वो भी मैंने डाल दिए और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब मैं डाल देती हूँ 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 1 या 2 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। 1/2 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए भुना हुआ और पीसा हुआ, और 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही है, सारी चीज़ मिक्स हो जाती है तो इन्हें भूनने दीजिए, चिकन के साथ मसाले इन्फ्यूज़ होने दीजिए। तो मीडियम आंच पर तकरीबन 3-4 मिनट तक इसी तरीके से बार बार चलाते रहें और पकाएं। अच्छा, अब इसमें मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा हल्का नमक ऊपर से डाल देती हूँ, और हल्का सा मुझे तेल कम लग रहा है तो मैं वो भी डाल रही हूँ। आपने नहीं डालना है तेल तो कोई बात नहीं, हल्का सा तेल जब आप 3-4 मिनट के बाद देखें कि छूटने लगा है चारों ओर से, तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढककर इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक के लिए पकने दीजिए दम पर, सो दैट वो चिकन का खुद का पानी भी छूटेगा तो उसमें भी पकेगा। चलिए 4-5 मिनट हो चुके हैं, मैंने खोल लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिटका नहीं है, इसका मतलब चिकन का पानी जो छूटा है उसमें ही मसाला भी भून गया है। चूल्हा कर देती हूँ मीडियम आंच, थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए और अब डाल दीजिए पानी, क्योंकि अब हमें ग्रेवी के हिसाब से बना रहे हैं और अभी भी जो मटर है, आलू है और हल्का सा चिकन को गलना बाकी है। अब इसमें डाल दीजिए तकरीबन 2 कप पानी, कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, आपको कितनी ग्रेवी चाहिए वो हिसाब से आप डालिएगा। आपको कम ग्रेवी चाहिए तो 1 कप डालिए, आपको मेरे जितनी ग्रेवी चाहिए तो 2 कप डालिए, और ज़्यादा चाहिए तो 2.5 कप डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो यहाँ पर मैं फीकी वाली, ज़्यादा तीखी नहीं है, फीकी वाली 3-4 हरी मिर्चियों को मैं स्लिट मार के डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इससे भी एक मिर्चियों का फ्लेवर आता है तो मज़ा आता है। ज़्यादा स्पाइसी वाली मत डालिएगा, ज़्यादा स्पाइसी वाली रहे तो आप आधी या 1 बारीक काट के डाल दीजिएगा। हल्का सा नमक एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि पानी डाला है तो ज़रूरत लगेगी, नहीं ज़रूरत है तो मत डालिएगा। मिक्स कर लीजिए और उबाल आ जाता है तो स्लो कर ढाक कर तकरीबन 10-12 या 13 मिनट पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तीनों चीज़ें गल नहीं जाती, तब तक। जब तक चिकन का कीमा हो रहा है, हमारा ग्रेवी वाला है, रस्सेदार है, उसके साथ साथ वो पक रहा है, तो मैं यहाँ चावल का भी कर लेती हूँ। तो ये 1.5 कप चावल है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मसूर का। तो ये बन जाएगी हमारी पीली खिचड़ी। आप तुअर दाल की भी बना सकते हैं खिचड़ी, अगर आपको चाहिए उसकी रेसिपी मुझसे कहिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट वे में बनती है। तो चलिए अब मैं इसका फटाफट चावल खिचड़ी का कर लेती हूँ। चलिए अब मैं इसको है ना शिफ्ट ये साइड पे करती हूँ, मेरा शिफ्टिंग चलता रहता है, मैं ये यहाँ शिफ्ट करके इसे स्लो पे रखती हूँ, इसमें और यहाँ पतीली रख रही हूँ फास्ट आंच पर, इसके लिए खिचड़ी के लिए, पीली खिचड़ी के लिए। एक पतीली को गरम कीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए, तेल के साथ साथ एक दंडी दालचीनी की, 1 तेज पत्ता और 1/4 छोटा चाय का चम्मच जीरा डाल दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तीनों फास्ट आंच पर तो फटाफट 1 कप पानी डाल दीजिए और ढक दीजिए उसी समय इमीडिएटली। जब वो थोड़ा सेटल हो जाए पानी तो बाकी का पानी डाल दीजिएगा खोलकर। जैसे टोटल 2 कप खिचड़ी का हम पानी कितना डालेंगे तो डबल डालिएगा और 1/4 कप ऊपर से और एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैंने 1 कप पहले डाला था और 3/4 कप अभी मैं डाल रही हूँ, आप ही इसी हिसाब से एडजस्ट कीजिए पानी। हाँ, और अब उबाल आ जाने दीजिए, मैंने थोड़ा सा ढक दिया उसे। अरे मैं एक चीज़ करना तो भूल ही गई, तो मैं यहाँ उसके बजाय 1.5 टेबल स्पून जितना बिरिस्ता डाल रही हूँ, ये तो अच्छा है मेरे पास बिरिस्ता रखा था, मेरे जैसे वो भुलक्कड़ मत बनिए। और सबसे पहले आप जब गरम मसाले डालते हैं जीरा और सब, तभी उसी टाइम पे एक छोटी सी प्याज या आधी प्याज बड़ी हो तो डाल दीजिए स्लाइस कर और उसे लाल कीजिए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो उसके बाद पानी डालिएगा। मेरी तरह इस तरीके से भूलिए मत, और अगर आप भी भूल जाते हैं तो फिर बिरिस्ता मेरी तरह डाल दीजिए। वैसे ये घर में बना हुआ बिरिस्ता, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब आप डाल दीजिए 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी इसके अंदर और नमक चावलों के भाग का, मैं मेरे हिसाब से 2 कप चावलों के हिसाब का भाग का नमक डाल रही हूँ।
इसमें उबाल आ जाने दीजिए, चाहिए तो ढक दें आप इसके पानी को। जब कुछ मिनटों के बाद उबाल आ जाता है तो ये जो चावल है दो तीन पानी से धो लीजिएगा, दाल के साथ जो चावल डाला है, और वो धोने के बाद नितार कर ये जो पानी है जिसमें उबाल आया है इसमें डाल दीजिए अच्छे से सारों को। अब इसे आप फास्ट आंच पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक पानी ऑल द मोस्ट सूख नहीं जाता। कुछ देर में तो वो सूख जाएगा, ये देखिए अच्छा खासा पानी सूख चुका है। चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच, 1/4 कप जितना पानी मैं फिर से ऊपर से छिड़क देती हूँ तो टोटल पानी कितना हुआ 4.5 कप, बराबर ना। अब इसे ढक कर दम पर पकने दीजिए, तकरीबन 5-7 मिनट लगेगी। चलिए कुछ देर बाद यहाँ मैं खोल लेती हूँ और बढ़िया से हो चुकी है मेरी खिचड़ी, और मैं इसे फोड़ लेती हूँ। मैं हमेशा इसे फोड़ना ही कहती हूँ, चूल्हा कर देती हूँ बंद और ये बन गई खिली खिली सी खिचड़ी। चलिए जो खिचड़ी है पीली वाली वो हो चुकी है। तो यहाँ मैंने 2 प्याज काट ली है कचुम्बर के लिए, इसमें मैंने 1 बारीक हरी मिर्ची काट कर डाली है, थोड़ी सी कोथमीर डाली है, थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ हल्का सा, और इसमें मैं डाल देती हूँ नींबू का रस। इसमें डाल दीजिए 1 या फिर 1.5 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस, मैं 1.5 डाल रही हूँ। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप जब मिक्स करते हैं ना तो हाथों की मदद का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाथ धोए हुए हैं तो मैं तो हाथ से ही कर रही हूँ, और जब आप हाथ से करते हैं तो ये जो प्याज है ना वो खुली खुली सी हो जाती है, सो उस हिसाब से ज़रा कचुम्बर खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। चलिए ये बन चुका है प्याज का कचुम्बर, मैं इसे साइड पर रख देती हूँ। खिचड़ी हो चुकी है, इसे पीछे रखती हूँ, मेरा ये चलता रहता है आगे पीछे, और ये जो कीमा है इसे मैं ये साइड पे रख देती हूँ क्योंकि इसमें तकरीबन 13-14 मिनट हो चुकी है। चलिए 13-14 मिनट हो चुकी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा आप देखने से ही लग रहा है कि आलू भी हो चुके हैं, मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए आलू वैसे ही देखिए हो चुके हैं, मटर भी हो चुकी है, ये आपको मैं इससे दिखा देती हूँ, ये देखिए मटर भी हो चुकी है और कीमा तो हो ही गया है। अच्छा मैं 2-3 हरी मिर्चियाँ ना डाल रही हूँ, हम लोग उस टाइम पे खाते हैं, अरफात को बहुत पसंद है तो ऐसे ही डाल देती हूँ, और थोड़ी सी कोथमीर डाल देती हूँ। सर्विंग के टाइम पे फिर से डेफिनेटली डालूंगी मैं। हाँ तो ये चूल्हा हो गया बंद, तो ये बन गया हमारा चिकन का कीमे का सालन, मैं तो सालन कहती हूँ। मटर बढ़िया से डाल के, मजेदार से आलू डाल के, बढ़िया सी खिचड़ी के साथ, पीली वाली खुली खुली खिचड़ी के साथ मैं अभी इसे खाऊंगी। और हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कचुम्बर के साथ खाऊंगी, तो चलिए अब मैं निकालती हूँ इन चीजों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मा गर्म इसे बाउल में निकालिए कीमे को, रस्से वाले कीमे को, और खिचड़ी के साथ इसे सर्व कीजिए। अच्छा अगर आपको ये रस्से वाला कीमा नहीं चाहिए और आपको सूखा हुआ चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, मैंने मेरे चैनल पर वो भी अपलोड किया है। अच्छा अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, उससे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ भी रही हैं कि नहीं। और अगर आप ये मेरी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।